हाय एवरीवन, आपको फिर से एक और नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड अपना चैनल बनाए हैं, जो कि नए चैनल है और आप ग्रोथ जल्दी से करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपने थंबनेल पे मेरे देखा होगा कि मैंने किस तरह का थंबनेल बनाया है। उस तरह का अगर आप थंबनेल बनाते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है आपका चैनल ग्रो होने में ज़्यादा देर तक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भी क्रिकेट से रिलेटेड एक चैनल बनाया हूँ, वहाँ पर मैंने सीखा। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत से हमारे व्यूवर्स इस तरह का थंबनेल नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा होने वाली, लेकिन यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में हमने समझाया कैसे कैसे कि आपको किस तरह बनाना है, पूरे HD में कैसे कहाँ कहाँ से बैकग्राउंड लाएंगे, अभी इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ के साथ हम बताएं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं, उससे पहले चैनल पर फॉलो कराएं, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर, ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। दोस्तों अभी तक हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है अभी तक उनको फॉलो नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहां जाकर इस लिंक को फॉलो करके वहां पर आकर हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं, विदाउट प्लेइंग एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि इंट्रो में हमने सब कुछ आपको बता दिया, और दोस्तों यह थंबनेल आपके सामने है और थंबनेल पर भी मैंने लगाया था। सो गाइज अगर आप इस तरह का थंबनेल बनाते हैं, अगर क्रिकेट से रिलेटेड आपका चैनल है और आप इस तरह से जो है थंबनेल बनाते हैं, तो आपका जो है चैनल बहुत तेजी से ग्रो होगा। सो गाइज यहाँ पर मेरा भी एक चैनल है क्रिकेट से रिलेटेड, और मैंने सोचा कि इस तरह का जो है थंबनेल बनाकर आप लोग पास तुरंत ही शेयर किया जाए। सो गाइज यहाँ पर यह किस तरह बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, आज की इस वीडियो में इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक सेकंड की स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में हम बताने वाले हैं कैसे आपको क्या क्या करना है, और सबसे पहले आपको कहाँ कहाँ से यह इमेज लाना है और यह बबल कहाँ से लाना है, यह भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सो गाइज सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर हम कटआउट करते हैं, और आपके पास जो है एक एप्लीकेशन का बहुत होना जरूरी है, जैसे थंबनेल मेकर, जैसे पिक्सल लैब से भी बना सकते हैं और थंबनेल मेकर से भी बना सकते हैं, जो कि गाइज में थंबनेल मेकर से अपना जो है यह अपना थंबनेल है एडिट करता हूँ, बनाता हूँ, जिससे बहुत ही आसानी तरीके से मैं वहाँ पर एडिट करके बना लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पिक्सल लैब भी यूज करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले हम थंबनेल मेकर में चलते हैं, वहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों अगर आपके पास थंबनेल मेकर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर थंबनेल मेकर को डाउनलोड कर सकते हैं। यह देख सकते हैं आप थंबनेल मेकर, इस पर हम सिंपली सा क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद देखिए गाइस यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर हमने इस तरह का जो है थंबनेल बनाया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ नीचे वाला ही कहाँ से लाएंगे, यह भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो गाइस चलिए हम सबसे पहले हम इसको लीव करते हैं, लीव करने के बाद सीधे हम आ जाते हैं अपने बैकग्राउंड पर। सो गाइस अभी थोड़ा खुल रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, और दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारा खुल चुका है। अब जैसे ही आप अपना जो है थंबनेल मेकर डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का बहुत ज्यादा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1280x720, जो कि हमारा थंबनेल के लिए है। सो गाइस इस पर हम सिंपली सा क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कलर ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम सिंपली सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं, और यहाँ पर ओके पर डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर एक और सही का निशान है, इस पर हम सिंपली सा क्लिक करेंगे। सो गाइस हमारा जो बैकग्राउंड है आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्रिकेट से रिलेटेड थंबनेल कैसे बनाएंगे, अब चलिए इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, स्टिकर दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है, इफेक्ट और बैकग्राउंड। इस पर हम इमेज वाला सिंपली सा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सीधे हम गैलरी में जाते हैं। अब गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर फोटो और जो भी गैलरी है आप वहाँ पर जाकर अपना जो है फोटो वोटो ला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा गैलरी खुल रहा है। गैलरी खुलने के बाद यहाँ पर हम सीधे कैमरा वाले आइकन में चलते हैं, जो कि हम डाउनलोड करके रखे हैं। सो गाइस पहले हम डाउनलोड वाला ऑप्शन में चलते हैं, जो कि हम स्टेडियम वाला एक बैकग्राउंड यूज किए हैं, डाउनलोड किए हैं। तो दोस्तों हम सिंपली सा देखिए दोस्तों हम कितना ज़्यादा अपने इमेज डाउनलोड किए हैं गूगल से। अब दोस्तों और गूगल से डाउनलोड करेंगे जो हम बता रहे हैं, अभी रुकिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं। सो गाइस उस तरह का स्टेडियम से रिलेटेड आपको जो है गूगल में जाकर सर्च करना होगा, क्रिकेट स्टेडियम नाइट, इस तरह सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली से क्लिक करेंगे, आप इसे गूगल पर जाकर आसानी से जो है क्रिकेट स्टेडियम नाइट लिख कर आप जो है वहाँ से आसानी से जाकर लिख सकते हैं। अब दोस्तों इतना छोटा है, अब इसको बराबर से हम इसको अच्छी तरीके से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद थोड़ा बैठा लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा पूरा फुल इमेज में यहाँ पर बैठ चुका है। अब यहाँ पर आपको यह आइकन दिखाई, इस पर सिंपली सा क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लॉक कर देंगे, जो कि यह हिलेगा नहीं, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो कि हम नीचे से आपको दिखाए हैं, अभी दिखा रहे हैं दोस्तों, एक मिनट आप वीडियो में बने रहिए। सो गाइस यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, और यहाँ पर थोड़ा नीचे जाने के बाद थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर यह वाला जो आइकन है आप कहाँ से लाएंगे, जो कि दोस्तों आप क्रिकेट होता होगा जो कि क्रिकेट देखते हैं वही स्क्रीनशॉट करके मैंने रखा हुआ है ताकि हमारे ऑडियंस को बता सकें। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 बॉल में 43 रन मारना है, जो कि दोस्तों यह दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप बनाएंगे थंबनेल तो आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से जो है आपका चैनल बहुत तेजी से ग्रो होगा। जो गाइस यह जो है वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में सिखाएंगे कैसे है, कैसे आपको क्या करना है, जो कि हम डाउनलोड जिस तरीके से किया है उस तरह से डाउनलोड करके आपको आ जाना है। जो कि हम आपको यह स्टेडियम वाला बता दिया, गूगल क्रोम पर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर लिखेंगे स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम नाइट। उसके बाद यह जो दिखाए हैं यह वाला आपको जो मैच दिखाया था हाइलाइट्स वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सुबह वहाँ पर हाइलाइट्स लेकर वहाँ पर स्क्रीन शॉट लेकर इसको क्रॉप करके आप यहाँ पर नीचे लगा सकते हैं। अब इतना समझ में आने के बाद यहाँ पर आपको यह वाला आइकन दिखाई दे रहा है, फिर से इसको लॉक कर देंगे जो कि हमारा फिर से हिलेगा नहीं। सो गाइस इतना आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत हम अच्छी तरीके से बता रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि आपने IPL देखा होगा, वहाँ पर जो है चेन्नई वर्सेस जो है मुंबई इंडियन के बीच हुआ था। अब वहाँ यहाँ पर हम ऊपर अपना जो है एक हम वर्ड लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ वर्ड लिखेंगे, जैसे MI वर्सेस CSK के बीच वहाँ पर एक दिन मुकाबला हुआ था जो एक दो दिन पहले। तो दोस्तों यहाँ पर हम टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा इंग्लिश है तो यहाँ पर हम हिंदी में कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कि MI के हार के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं MI के हार के बाद। अब इतना हम क्या करेंगे, इतना हम पहले ले लेंगे। सो गाइज यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे और छोटा करने के बाद इसको हम पूरा अच्छी तरीके से फैला देंगे। फैलाने के बाद यहाँ पर हम फंट है, इस पर हम सिंपली सा क्लिक करेंगे और फंट यहाँ पर हम एक ही यूज करते हैं जो कि बहुत अच्छा हमको लगता है। सो गाइज यहाँ पर बहुत सारा आपको फंट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा थंबनेल मेकर है। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से आसानी तरीके से बना लीजिए। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस कलर वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर हम सफेद ले लेते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर हम लाल वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर हम लाल ले लिए। अब सो गाइस इसको क्या करना है, इसको अब थोड़ा सा हम छोटा नहीं करेंगे, इसको तो लंबा इसी तरह रहने देंगे। लंबा होने के बाद आपको क्या करना है, जो कि अभी फ्रंट अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोई और फ्रंट हम ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह फ्रंट अच्छा लग रहा है। सो गाइस यहाँ पर थोड़ा और नीचे करके अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ इसको छोटा करना है। सो गाइस यहाँ पर हम जे ले लेते हैं, कोई अक्षर एक ले लेना है, उसके बाद जे लेकर इसका आप जो बैकग्राउंड है इसको इसी तरह चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी हम बैकग्राउंड का लाल ले लेते हैं। लाल लेने के बाद सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग सोच रहे हैं क्या कर रहा है। सो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, MI के हार के बाद इसको ऊपर कर देना है जो कि हमारा यह आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हमने लॉक किया था। सो गाइस यहाँ पर लॉक होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको छोटा थोड़ा कर देना है। छोटा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा आ चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हमको क्या लिखना है, यही इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अब दोस्तों MI के हार के बाद अब इसको हम थोड़ा आउटलाइन बना देते हैं, जो कि आउटलाइन आप देख सकते हैं। अब MI के हार के बाद जो कि दोस्तों यहाँ पर हमने आउटलाइन दे दिया है, जो कि इतना देख रहे कितना अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों इसको हम लॉक कर देंगे आसानी से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे MI के हार के बाद नीता अंबानी का फूटा गुस्सा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे नीता अंबानी का फूटा गुस्सा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस वर्ड को लिख लिया है। अब वर्ड इस वर्ड को लिखने के बाद हम इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाकर चिपका देना है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब थोड़ा और इसको हम ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद हम आपको सिखा रहे हैं डेमो के लिए, आप इस तरह बना सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पीला कर देंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पीला करने से कितना अच्छा यहाँ पर इसका सुंदरता बढ़ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस इस तरह कोई नहीं बताएगा जिस तरह हम बता रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा यहाँ पर लग रहा है इतना ही लगाने के बाद। अब दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हम इमेज लाएंगे, इमेज किस तरह लाएंगे चलिए इसको बताते हैं। हम गैलरी में आते हैं, गैलरी आने के बाद जो हम इमेज डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पर हम लाएंगे। सो गाइज हम यहाँ पर नीता अंबानी को पढ़ लाएंगे, उनका गुस्सा फूटा है इसलिए। तो सो गाइज आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और उसके बाद हम आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे जिससे आप लोग आसानी तरीके से समझ में आएगा। सो गाइज यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा और वेट करना है।
जो कि गाइज यहाँ पर जो है नीता अंबानी यहाँ पर आ चुकी हैं। और सो गाइज इनको हम ले लेते हैं, लेने के बाद इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे, इस तरह आप देख सकते हैं। छोटा करने के बाद आप इस तरह देख सकते हैं, इस तरह छोटा करने के बाद यहाँ पर सो वाला आइकन है, इस पर हम सिंपली सा क्लिक कर देते हैं। अब इनका मुंह इधर है तो आपको यह आइकन दिख रहा है, इस पर हम सिंपली सा क्लिक करेंगे तो यह इधर हो जाएंगी। सो गाइज यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको लाकर हम अच्छी तरीके से बैठा देंगे। अब इसको एकदम आराम से बैठाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम आराम से बैठाने के बाद यहाँ पर नीचे से इसको बैठा देंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अब क्या करना है, लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद सीधे हम चलते हैं गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद सीधे हम डाउनलोड जो बबल डाउनलोड किए हैं जो आपको दिखाए थे, तो उस बबल को हम लेंगे। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे जाने के बाद थोड़ा वेट करिए दोस्तों, आप आसानी तरीके से देखते रहिए। और यहाँ पर यह देखिए हमारा बबल जो कि हम गूगल से ये भी डाउनलोड किए हैं, आप वहाँ पर जाकर गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा कि स्पीच बबल, तो दोस्तों बहुत सारा बबल्स आ जाएगा। तो इस पर सही वाला आइकन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसका मुंह इधर है तो आपको इस वाला आइकन पर क्लिक करके इसको इधर से सोच कर देना है। सो गाइस यहाँ पर अब सोच हो चुका है, थोड़ा सा और टेढ़ा है। अब इसको क्या करना है, इसके साइज में लाना है, इनके मुंह पर लाना है, जो कि अब एक ऐसा लगे कि यह बोल रही है कि आपको इस तरह नहीं करना है। सो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा और छोटा करना है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, इतना आप देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, लॉक कर देना है, जो कि गाइस हम आपको डेमो के लिए बता रहे हैं, आप इस तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना है रोहित शर्मा अब कप्तानी नहीं करेंगे, इसी तरह लिख दे रहे हैं रोहित शर्मा अब कप्तानी नहीं करेंगे। दोस्तों इतना लिखने के बाद जो कि हम डेमो के लिए बता रहे हैं, आपके मन में जो आ रहा है वहाँ पर आप इस बबल में लिख सकते हैं, हम इसी तरह आपको डेमो के लिए बता रहे हैं। अब इसको छोटा करके इस बबल में ला कर रख देंगे। अब दोस्तों ये लग रहा है कि नीता अंबानी ने सही में बोला होगा कि आप रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे। देखिए अब कितना क्यूट लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, जिसे हमारा ऑडियंस को देखते ही जो है वीडियो को क्लिक जरूर करेंगे। और दोस्तों यह मुंबई और चेन्नई का हो गया, अब मुंबई का हो गया, अब यहाँ पर हम धोनी को लाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम धोनी को लाते हैं, तो यहाँ पर हम डाउनलोड में आते हैं। डाउनलोड में आने के बाद रविंद्र जडेजा कोई ले लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर चलिए हम धोनी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नीचे चलते हैं, नीचे हमारा बहुत से गूगल में थोड़ा वक्त लगा दोस्तों। गाइज यहाँ पर धोनी आप देख सकते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद देखिए हमारा छोटा हो गया, और उसके बाद इसको सही वाला आइकन पर क्लिक करके और यहाँ पर लाकर बैठा देंगे। सो गाइज यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा होगा, तो इसको हम इस तरह करके इस तरह जो कि भग रहा है, एक हाथ से नहीं हो पा रहा है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ढकना नहीं चाहिए, ढक रहा है अब। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इन्होंने हमने बैठा दिया है इनको, अब इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए नीचे हो चुका है, तो इनको क्या करेंगे, हम इसको बबल को ऊपर ले जाएंगे। अब रोहित शर्मा को भी ऊपर ले जाएंगे। देखिए हमारा आकर बनकर रेडी हो चुका है, अब इसको हम लॉक कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम किसी और खिलाड़ी को लाएंगे, जैसे चेन्नई या कोई भी खिलाड़ी हो, डेनियल से या कोई भी हो, तो यहाँ पर हम लाएंगे। तो यहाँ पर हम किसी को ले लेते हैं, जैसे शिखर धवन को ले लेते हैं। आप अपने अंदाज से बैठाइएगा, अपने अंदाज से बनाइएगा, क्योंकि हम डेमो के लिए बता रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप शिखर धवन को देख सकते हैं, और शिखर धवन को नहीं लेंगे, आप लोगों को डिस्टर्ब होगा। सो गाइस मुंबई का ही कोई बल्लेबाज ले लेते हैं, नहीं तो चेन्नई का बल्लेबाज ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम रविंद्र जडेजा को ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि गाइज इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद देखिए भाग रहा है रविंद्र जडेजा। तो इतना हम छोटा करने के बाद इसको सही वाले के आइकन पर क्लिक करके उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सही तरीके से बैठा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रन मारें या विकेट मारें, आप यहाँ पर आसानी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं 80 बॉल में, यहाँ पर 80-44 कुछ भी 45 में आपका 30-45 रन यह मारे हैं। एक एथी के लिए मान लीजिए दोस्तों, एक डेमो के लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर 45 हो गया, और इसका कलर चेंज करेंगे। सो गाइज यहाँ पर सफ़ेद करते हैं, सफ़ेद यहाँ पर बैकग्राउंड सफ़ेद ही हो गया। सो गाइज यहाँ पर अपना जो है कुछ भी मतलब अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हम 30 बॉल लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर 20 बॉल, जो कि एट्रैक्टिव लगे लोग जाने कि यहाँ सच में रविंद्र जडेजा 20 बॉल में 45 रन मारे हैं, एक धुआंधार खारी खेले हैं। अब इसका भी कलर चेंज कर देंगे, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे कलर वाला आइकन में, कलर वाला आइकन में आकर यहाँ पर हम पीला ले लेंगे, और पीला लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीला हो गया, और यहाँ पर हम आउटलाइन काला ले लेंगे।
सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटलाइन हमने कलर ले लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 बाल में 45 रन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक जगह खाली बच रहा है, तो इसको पहले हम लॉक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम रोहित शर्मा को लेकर आते हैं और उनको बबल देते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम डाउनलोड वाला आगे आइकन में गए, जो कि हम डाउनलोड करके गैलरी में रखे हुए हैं। उसके बाद सीधे चलते हैं हम नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा इस तरह का फोटो इधर मुंह किए होंगे मत लीजिएगा, हम बता रहे हैं आपको। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इधर कर देना है, और इधर करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, और छोटा करके बैठा लेना है। तो गाइज यहाँ पर हम छोटा करके इसको बैठा लेते हैं इस इमेज को, तो थोड़ा और लंबा चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसको बैठा लिया है अच्छी तरीके से, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हाथ दिखाई दे रहा है, तो अपने हिसाब से काट लीजिएगा। अब इसको क्या करना है, इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे इसको, इमेज वाले में जाएंगे, फिर से यहाँ एक और बबल आएंगे, इनके ऊपर लगाएंगे। तो डाउनलोड वाला आइकन में जाते हैं, बहुत से फोटो यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आ चुका है, इस पर हम सिंपली सा क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सीधे हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको सीधा कर देते हैं, सीधा करके इनके मुंह पर ला देते हैं, कि यही लगे कि यही बोले हैं। सो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको पास लाकर और इनके बबल को सामने, और इनको लॉक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कि रोहित शर्मा बोले हैं, कि अपने हिसाब से लिखेंगे, वह नहीं बोले हैं, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं कि एक और मौका चाहिए, मतलब वो अनिता अंबानी से बोल रहे हैं एक और मौका। एक मिनट गाइस, मौका चाहिए, एक और मौका चाहिए। सो गाइज अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये टाइटल लिखे हैं, इसको हम छोटा करके इस बबल वाले में ला लेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद यह देख सकते हैं हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है यह थंबनेल। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको जैसे ही देख रहे हैं कितना अट्रैक्टिव हमारा यह थंबनेल लग रहा है। और दोस्तों इस तरह का आप थंबनेल बनाएंगे तो आपका बहुत तेजी से चैनल ग्रो होगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं इसको हम सेव कैसे करेंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर डाउनलोड वाला आइकन है, डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इस पर हम सिंपली सा क्लिक करेंगे तो हमारा शो प्लीज वेट बोल रहा है। सो गाइज हमारा यह गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट होम बटन को क्रश कर काट रहे हैं। काटने के बाद सीधे चलते हैं, देखिए हमारा यह आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपने YouTube चैनल के लिए लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बताया है। यहाँ थोड़ा नीचे लगाएंगे, थोड़ा नीचे करेंगे जो कि ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों ये आपको बताना, दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल चला हो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।